यहाँ पे लेटा हुआ है अपना रावण, देखिए तो यहाँ पे लेटा हुआ है रावण वगैरह, और देख सकते हो पूरा एकदम ये चक्र भाई पूरा रिलोड वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा अंदर से कंकाल रहता है देखो। तो ये देखो भाई, ये हमारे रावण दादा, तो ये देखो पूरा दृश्य यहाँ का, तैयारी चल रहा है जैसे कि देख सकते हो, और ये हमारा रावण है। तो हम लोग अंदर जाके दिखाते हैं, चलो अंदर मिलते हैं आप लोगों को। और इस तरीके से देखो पूरा VIP वगैरह, VIP सीट वगैरह और फैमिली वगैरह के लिए बहुत सारा पूरा इंतजाम किया गया है, और वहाँ पे नेता लोग आते हैं तो वहाँ पे बैठ जाएगा। तो देख सकते हो ये हमारे मेघनाथ है, नहीं ये कुंभकर्ण है, लंबा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे पूरा फटाका वगैरह रखा हुआ है, देखो प्यारो। सो हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल चाल है भाई, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज दशहरा, मतलब दशहरा तो निकल जा रहा है जब तक मेरा वीडियो आना, बट आ जाएगा दशहरा। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं मिनी स्टेडियम की तरफ, और आज हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ रावण है, और जहाँ तक मेरे को आइडिया मैं वहाँ वहाँ दिखाऊंगा, और दो तीन दिन बाद भी होता रहता है तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ होता है। तो गाइस अभी फिलहाल अभी मैं लेकर चल रहा हूँ आप लोगों को मिनी स्टेडियम की तरफ, नहीं पता वहाँ पे लगा है कि नहीं। बाकी सीन देख सकते हो, धूप अच्छा तेज है, आप लोग वीडियो बनाने निकले हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं हम दशहरा ग्राउंड की तरफ, मतलब मिनी स्टेडियम, हमारे दुर्ग का मिनी स्टेडियम की तरफ। तो गाइस मिलते हैं मिनी स्टेडियम में। तो भाई जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आ गया है मिनी स्टेडियम की तरफ, और जैसे कि देख सकते हो ये लिखा है न्यू त्यौहार खेल एवं सांस्कृतिक समिति, आपका हार्दिक करता है वो सब वगैरह पूरा लिखा हुआ है। और ये अपना मिनी स्टेडियम की तरफ, और यहाँ पे फुल ऑन तैयारी चालू है, देखिए देख सकते हो एकदम चेयर वेयर पूरा रखा हुआ है, दशहरा का फुल ऑन तैयारी चल रहा है, देख रहे सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, चेयर वगैरह एकदम फुल ऑन हो गया। तो अभी फिलहाल आगे की तरफ चलते हैं, आगे का दिखाते हैं कि जामुन वगैरह का क्या सीन है। तो देखो पूरा स्टेज वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे स्टेज वगैरह रखा हुआ है पूरा ऑन, देखो पूरा चेयर वगैरह पूरा तैयार हो गया फुल, यहाँ पे एकदम गाड़ी वाड़ी चेयर वेयर और वहाँ पे बन रहा है रावण बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हो बच्चे लोग भी बैठे हुए, और यहाँ पे रावण बन रहा है, देखो पैर दिख रहा है खड़ा हुआ, एक ही ठोक बैठता है मेरे ख्याल से कहाँ पे मेरी बॉडी। तो यहाँ पे लेटा हुआ है अपना रावण, तो यहाँ पे लेटा हुआ है रावण वगैरह, और देख सकते हो पूरा एकदम खड़ा होगा यहीं पे, तो तलवार रखा हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं एक ही ठोक दिख रहा है यहाँ पे बैठा हुआ, बाकी ये तलवार है देखो पूरा बांस वगैरह से लगता है ये। ये भाई शायद तलवार रावण का, देख सकते हो पूरा फिरा रहा पूरा रखे रहते हैं, और ये अपना दुर्ग मिनी स्टेडियम का। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे पूरा अंकल लोग तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो इतना ही था यहाँ पे एक ही रावण है, और यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ रहता है देख सकते हो, और अब मतलब देख सकते हो बोल तो मतलब रात में अच्छा खासा भीड़ रहता है, और लाइट वगैरह अभी तक जा रहा है भाई, बिजली पे चल रहा है देखो लाइट वगैरह, तो देखो रावण वगैरह है। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं एंड चलते हैं दूसरी जगह, तो नेक्स्ट जगह चलते हो यहाँ से निकलते हैं फिलहाल को, ये रावण लेटा हुआ है सो चलो आगे की तरफ। तो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ एंट्रेंस है, और वहाँ से निकलोगे यहाँ पे पूरा बैठने का जगह है, और ये देखो यहाँ पे भी चेयर वगैरह लगाया हुआ है, तो नेता वगैरह आते नहीं पता, बैनर वगैरह पूरा लग रहा है, अभी पूरा तैयारी चल रहा है। तो अभी फिलहाल नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दूसरा डेस्टिनेशन की तरफ कहाँ पे रावण लगेगा फिर। तो वेलकम गाइस, तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और हम पहुँच चुके हैं नेहरू नगर, कैसे कर रहे भाई, तो हम पहुँच चुके हैं नेहरू नगर की तरफ, और जैसे कि देख सकते हो आप लोग ये हमारे सामने खड़ा हुआ है रावण, और बहुत खतरनाक दिख रहा है, और जैसे कि देख सकते हो फुल ऑन तैयारी चल रहा है, यहाँ पे भी पूरा गेट वगैरह मतलब वो लगा हुआ है, और देखो पूरा बांस वगैरह लगा रहा है, और पास जाके दिखाते हैं रावण के, देख सकते हो एकदम तैयारी चल रहा है, लाइटिंग वगैरह हो रही है मंदिर के सामने, और ये जगह है नेहरू नगर का कालीबाड़ी, और अंदर मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब नेहरू नगर में मेन रोड से सीधा लेफ्ट मुड़ना है, अगर इधर से आ रहे हो तो राइट मुड़ना है अपने तरफ से। वैसे गूगल मैप में सर्च मारोगे कि कालीबाड़ी कहाँ है, वहाँ पे जहाँ लेके जाएगा वहीं पे चल देना, सामने में ही मैदान पड़ता है, और इस तरीके देख सकते हो तो पूरा बांस वगैरह लगा हुआ है, फुल ऑन तैयारी चल रहा है यहाँ पे, खतरा सीवी रमन यूनिवर्सिटी। तो देखो यहाँ पे के गरबा वरबा हो रहा था लगता है, देखो पूरा गोल गोल लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे देख सकते हो अपना रावण भाई,
रावण भाई तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरा कजन ब्रदर है। तो ये हमने हमारे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, तो यही तीनों रहते हैं। तो देख सकते हो एकदम तैयारी चल रहा है। तो ये चेक करो भाई, ये हमारे रावण और हम लोग पास आ चुके हैं हमारे रावण भाई के पास, हमारे रावण महाराज लंका के। देखो यहाँ पे तैयारी चल रहा है अभी फिलहाल, भाई लोग लगा रहे हैं, आधा ज़्यादा नहीं हुए हैं। देखो यहाँ पे भैया लोग लगा रहे हैं, ये पूरा मैदान ये लग रहा है यहाँ पे, देख सकते हो। और यहाँ पे पेड़ा पकड़ा चढ़ा रहे, देखो इस तरीके से पूरा इतना मेहनत करके लगाया जाता है। देखो भाई रावण से पहली बार पास से देख रहा हूँ मैं, फूल एकदम गिफ्ट पेपर टाइप से कपड़ा पूरा फूल एकदम लग रहा है। चेक करो भाई, पूरा रिलोड वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा अंदर से कंकाल रहता है। देखो इस तरीके से पूरा रॉड पे एकदम इतना भाई मेहनत भी लगता है भाई। देख रहे हो पूरा बांस वांस पतला पतला बांस से पूरा लगाया गया। देखो यहाँ पे पेड़ा वगैरह चढ़ा रहे हैं। पेड़ा वगैरह चढ़ा रहे हैं और वहाँ पे पड़ा लोग वहाँ पे इसके अंदर डालेंगे ऊपर पूरा। देखो ऊपर तक लगता है, मेहनत है भाई, रावण महाराज भी कहीं मेहनत है, लेकिन कि ऐसी हो जाए हर साल ही जैसी इस तरीके से भाई अच्छा खासा खर्चा लगता होगा। देखो ये भी बड़ा बड़ा है, पटाखा वगैरह भी लगता है देख सकते हो। और ये पूरा मैदान है यहाँ पे रावण, और यहाँ पे पूरा कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा फटाका वटाका पूरा लगे रहता है। तो अभी फिलहाल यही था, और आगे की तरफ चलते हैं, वहाँ पे फटाका ही लग रहा है मेरे को, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। तो ये हमारा रावण जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, और बस तलवार लगना इसके हाथ में भी और इसके हाथ में भी। अभी छोटे वाले के में लगा रहे हैं, फिर उसके में लगेगा, फिर इनके में लगेगा। तो चलते हैं यहाँ से। तो ये देखो भाई, ये हमारे रावण दादा। तो ये देखो पूरा दृश्य यहाँ का, और यहाँ पे दुकान लग रहा है। तो बस यहाँ का इतना ही था। तो अभी फ़िलहाल अपना पड़ेगा अब सेक्टर 7, तो सेक्टर 7 की तरफ चलते हैं, दैन सीसी की तरफ, दैन रिसाली की तरफ। ये 3-4 जगह है और यहाँ का कदम करते हैं। तो लेते हैं यहाँ से निकलते हैं, दिखाते हैं दूसरी की जगह शेर भाई। तो हमारे रावण भैया को यहाँ पे करते हैं टाटा बाय बाय, निकलते हैं दूसरे की तरफ, लेट्स गो। तो हेलो जी, हम आ चुके हैं सेक्टर 7 की तरफ, और यहाँ का भी रावण जी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आप लोगों को अंदर जाके दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ के ये पूरा फायर वर्कर्स वगैरह लाइन से लगा हुआ है, और ये सेक्टर 7 की तरफ। तो अंदर की तरफ चलते हैं अपन, यहाँ से खुला नहीं है, तो वहाँ से खुला हुआ था तो वहाँ से घुसते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरा वो बैठने वैठने VIP वगैरह जगह है। तो आज हम लोग जल्दी आ जाएंगे 8:30 तक, क्योंकि पूरा कार्यक्रम फायर वर्क वगैरह आप लोग को दिखाते हैं। बापरे की तरफ बना खान है। तो अपन साइड से निकलते हैं एंड रावण का दृश्य दिखाते हैं आप लोगों को। फुल ऑन तैयारी चल रहा है जैसे कि देख सकते हो, और ये हमारा रावण है। तो लोग अंदर जाके दिखाते हैं, चलो अंदर मिलते हैं आप लोगों को। तो भाई सेक्टर 7 में बहुत बड़ा बनता है, जैसे कि मैं मतलब बहुत लोग जानते होंगे सेक्टर 7 में बस बहुत बड़ा बनता है। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पूरा लाइटिंग वगैरह हो रहा है, देख सकते हो पूरा लाइटिंग वगैरह हो रहा है, ये पूरा पटाखा वगैरह लग रहा है। और यहाँ पे देखो पूरा ये सब खड़ा होता है पास में एकदम। और ये हमारा मेन रावण है, ये नहीं ये रावण नहीं है, ये मेघनाथ है उनका बेटा। और देन उसके बाद ये है बोलते रावण अपना यहाँ का, और ये एक रावण यहाँ का। और यहाँ पे देख सकते पूरा वायरिंग वगैरह कर रहे हैं, पूरा फायर वर्क वगैरह होता है यहाँ पे। और जैसे कि ये देख सकते पूरा स्टेज वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे खतरनाक, पूरा मतलब नेता वेता आते हैं, रामलीला वगैरह होता है और बहुत सारा चीज़ें होते हैं। तो ये देखो पूरा फायर वर्क दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, पूरा इस तरीके से वायरिंग वगैरह किया जाता है गाइस, ये देख सकते हो पूरा इस तरीके से वायरिंग वगैरह किया जाता है, जिससे पूरा मतलब बहुत सारा मतलब आतिशबाजी देखने को मिलता है हम लोगों को, देख सकते हो इस तरीके से पूरा वायरिंग वगैरह किया जाता है, जिससे बिजली लगता जाता है। इसके बाद पूरा फायर वर्क होता है, और जो कि रात में बहुत सुंदर दिखता है जब रावण जलता है उस टाइम पूरा
फायर बैक होता है जैसे कि पूरा अंकल लोग लगे हो पूरा तैयारी में पूरा लाख तक टेबल लगा के पूरा यहाँ पे देखो पूरा लगाया जाता है और ये अपने लगाना है यहाँ पे और इस तरीके से देखो पूरा वीआईपी वगैरह वीआईपी सीट वगैरह और फैमिली वगैरह के लिए बहुत सारा पूरा इंतज़ाम किया गया है और वहाँ पे नेता लोग आते तो वहाँ पे बैठते सामने में और ये देखो पूरा ऐसे इस तरीके से फायर वर्क और साथ में ये रावण अपना तो ये देख लो पूरा इस तरीके से पूरा वायरिंग वगैरह करके पूरे देखो पटाखा को पूरा वो किया जाता है ये देखो जैसे कि पूरे इस तरीके से वायरिंग किया गया। बाकी अभी फ़िलहाल आप लोगों को पास से रावण का दर्शन करवा देते हैं, है ना, दर्शन करवा देते हैं रावण का। और यहाँ पर मित्र क्या क्या लगा रहे हैं, पूरा बहुत सारे बुलेट वगैरह है और बहुत सारे चीज़ें हैं और ये देखो किस तरीके से रॉकेट को फंसाया जाता है जिससे गोल गोल घूमते चक्री वगैरह, ये सब आप लोग को रात में दिखने को मिलेगा और हम लोग दिखाएंगे अभी पूरा आके आपको, क्योंकि अपन यहीं पे आते हैं, पिछले बार भी यहीं पे आए थे अपन जैसे कि देख सकते हो। तो ये देखो रावण कितना बड़ा, देख रहे हो इतना बड़ा रावण है। ये देखो ये पीछे में पूरा पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पे भी देखो पूरा बांध बांध के पेड़ लगा हुआ है जिसे आग अच्छे से पकड़े और अच्छा से जले। अभी तैयारी चल रही है, देखो पूरा वायर लगा हुआ है यहाँ पे जिससे वो आग लगा सके और जिससे पूरा ऊपर तक आग लग सके। देखो पूरा वायरिंग वगैरह एक एक चीज़ होता है, देखो जिससे पूरा बिजली लगे देन उसके बाद पूरा जले जिससे इलेक्ट्रिसिटी हो। और नहीं पता दुनिया भर का, मेरे को तो पता नहीं उतना अच्छे से। यहाँ पे इस तरीके से पैरा लगा हुआ है तो भैया लोग अभी लगे हुए फुल ऑन मेहनत में। देखो तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा खड़ा हुआ लाइन से रावण और ये पूरा यहाँ पे देखो फायर वर्क कर रही है, फिर से दिखा देता हूँ। और पूरा बैठने का तो यही था सेक्टर 7 का, सेक्टर 7 का बीएसपी स्कूल की तरफ चलते हैं, वहाँ का भी दिखा देते हैं आपको क्या सीन है वहाँ का। तो लेट्स गो, तो अपना तो यहीं आना है भाई क्योंकि यहाँ का फायर वर्क चुम्बे स्टोरी परफॉर्मेंस होता है ना, तो इसीलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। रावण और एक नंबर चीज है कि यहाँ पे अयोध्या का राम मंदिर बना हुआ है, सामने में राम मंदिर और यहाँ पे है रावण। तो आज राम मंदिर जैसे कि रावण का दहन करने वाले और एक नंबर कॉम्बिनेशन बना रहे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 7 की तरफ और ये है दूसरा, यहाँ पे तो बड़ा नहीं है रावण, सेक्टर 7 का जाना वो उधर साइड का मार्केट है। यहाँ पे दुर्गा माता जहाँ 30 रुपये मेरे से लिया गया था, मैं भूल नहीं सकता भाई, 30 रुपये का टिकट देके मैं झांकी देखने गया था, वो भी 5 से 6 झांकी था, ज़्यादा ज़्यादा नहीं था। तो अभी फिलहाल देखो भैया लोग फुल ऑन तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे भी और पटाखा वगैरह लग रहा है यहाँ पे और वहाँ पे पूरा भी आईपी वगैरह रखा हुआ है और यहाँ पे पूरा खोद खोद के भी लोग बना रहे, देख सकते पूरा फटाखा वगैरह लग रहा है यहाँ पे खतरनाक टाइप से एकदम। वायरिंग वगैरह हो रहा है, लाइटिंग वगैरह में हो रहा है और यहाँ का रावण देख सकते हो, ये है यहाँ का रावण, ये है उनका बेटा क्या नाम था मेघनाथ, तो दोनों एक ही हाइट के है। बाकी सूज इन लोगों का बहुत फनी लगता है मेरे को, सूज देख लो ऐसा छोटी निकल रहा होगा। तो देख सकते हो ये है यहाँ का रावण, यह है अपना सेक्टर 7 बीएसपी ग्राउंड का, बीएसपी सेक्टर 7 बीएसपी ग्राउंड भिलाई का। और देखो ये मेघनाथ रावण, मेघनाथ दोनों मेघनाथ लग रहे हैं क्योंकि दोनों छोटे, क्योंकि कुंभकर्ण को बड़ा बनाया जाता है और उसको ऐसा बनाया जाता है। तो जैसे पास से दिखाते हैं आप लोगों को, तो ये है पीछे से, अभी पूरा भराया नहीं है और देखो पूरा पीछे से, और यहाँ पे पूरा ग्राउंड है, ये सेक्टर 7 बीएसपी का, वहाँ पे सेक्टर 7 का वो है क्या बोलते हैं स्कूल है, बीएसपी स्कूल, और यहाँ पे पूरे स्टेज वगैरह बना रहे हैं और पूरा देख सकते हो यहाँ पे पूरा अभी तक तैयारी चल रहा है, पूरा बांध बांध रहे हैं, तार वार लग रहा है, देखो जूता वगैरह। जैसे भाई बहुत धूप है, देखो तुम्हारा भाई धूप में वीडियो बनाने के लिए आया और अभी धूप तो फायर वायर पर दिख भी नहीं रहा, नहीं पता यहीं पे तो होना चाहिए। और इस तरीके से देखो यहाँ पर भी पूरा लगा हुआ, उतना हिम्मत नहीं हो रहा भाई उधर जाने का, कुछ है भी नहीं दिखाने का। तो देख सकते हो ये अपना रावण भाई, फ़ोटो ले लेते हैं। तो भाई ये देख सकते हो सेक्टर 7 का यही था, इतना ही था। तो ये सेक्टर 7 का, तो यहीं से निकलते हैं अपन, बस इतना ही था। सो लेट्स गो, सेक्टर 7 से सीधा हम निकलते हैं अब सीसी की तरफ, न्यू सिविक सेंटर में, वहाँ पे होता है शाही दशहरा,
दशहरा को तो सब मतलब शाही दशहरा ही बोला गया। तो अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, बहुत दूर हो गया गाइस, काला हो जाऊँगा वीडियो बनाते बनाते। आप लोग के लिए फिर भी बस सपोर्ट करो, रखो, चलो। तो व्हाट्सअप गाइस, हम आ चुके हैं सिविक सेंटर, न्यू सिविक सेंटर की तरफ, जहाँ पे नवरात्रि भी मनाया जाता है, जहाँ पे दशहरा भी मनाया जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हो भैया लोग किस तरीके से पूरा फटाखा वगैरह लग रहा है यहाँ पे, और पूरा बांस वांस में लगा रहे हैं हर जगह। ये चीज़ होता है क्योंकि आतिशबाजी होता है सेक्टर 7 जैसा आतिशबाजी। तो ये देखो यहाँ पे पूरा भैया लोग लगा रहे, पटाखा वगैरह लग रहा है, और देखो पूरा काम में लगे हुए भैया देख सकते हो। और इस तरीके से पूरा चेयर वगैरह लग रहेगा, और रात में पूरा भीड़ हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेज वगैरह लग रहा है, और यहाँ पे भी रामलीला हो रहा है, होता ही है। तो जैसे कि देख सकते हो ये अपना कुंभकर्ण, ये अपना रावण, अरे बाप रे यहाँ का तो बहुत ऊँचा लग रहा है भाई। ये है रावण और ये है अपना मेघनाथ, कुंभकर्ण रावण और मेघनाथ को रेखा जाते हैं ना। और जैसे कि देख सकते हो ये है अपना, इस तरीके से यहाँ पे न्यू सिविक सेंटर में बनाया गया है। देन इसके बाद एक लास्ट डेस्टिनेशन पड़ता है, वो है रिसाली की तरफ, वहाँ का भी देखेंगे। पहले यहाँ का देख लो, देखो ये है, और इस तरीके से ये पूरा खुला ग्राउंड है, और यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है जैसे कि देख सकते हो। और पीछे से देख लेते हैं पेरा वगैरह कितना मतलब हुआ हुआ है। मुझसे पूछे भला क्यों है, तो इस तरीके से पूरा रावण यहाँ पे, वो जो भैया बैठे वो बोल रहे पास नहीं आना है। तो अभी फिलहाल ये देख सकते हो इस तरीके से पूरा रावण लगा हुआ है, और यहाँ का बहुत ऊंचा लग रहा है, वैसे पूरा तैयारी हो गया लग रहा है, नहीं पता। तो यहीं का ही यहीं तक था। तो जैसे कि देख सकते हो पूरा यहाँ पे हमारे पीछे में रावण खड़ा हुआ है तरीके से। सो ये देख लो फिर से, और यहाँ की तरफ चलते हैं, इधर से चलते हैं अपन, फिर अब चलेंगे यहाँ से खाली। और पूरा अभी तैयारी चल रहा है, बहुत दोपहर शाम तक पूरा 4-5 बजे तक पूरा तैयारी हो जाता है। बटम तो सेक्टर 7 वाले भाई वहाँ आतिशबाजी के मजे देखो, जो टेबल में लगाते हैं ना वो कहीं भी नहीं दिख रहे यहाँ पे, और अभी तक तो कहीं भी नहीं दिखा मेरे को। तो इस तरीके से देख सकते हो ये पीछे में देखो पेरा आधा आधा लगा हुआ, ऐसे ही लग रहा था मेरे ख्याल से आधा बीच में, यहाँ पे फुल लोडेड है, पर ये रावण है फुल लोडेड है, उधर जाने नहीं दे रहे हैं, नहीं पता क्यों अलाउ नहीं है, जैसे मैं पेरा खा लूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ का ख़त्म करते निकलते हैं। तो वो सब गाइस जैसे कि देख सकते हो रिसाली की तरफ, और रिसाली में भी अच्छा खासा रावण खड़ा हुआ है, बट इतना ऊंचा नहीं है, ठीक ठाक है, बट इससे ऊंचा सेक्टर 7 का है, और सबसे ऊंचा तो सीसी का था। तो जैसे कि देख सकते हो ये रहा हमारा रंडू रावण भाई, तो सबसे ऊंचा सीसी का है, सबसे ऊंचा, बहुत ऊंचा वहाँ का। तो ये देख लो ये है अपना रावण भाई, रावण भाई तो ऐसे बोलते जैसे मेरा सगा है। तो देख लो ये देखो लड़ी लगा हुआ है इसके हाथों में, हाथ में देख पूरा लड़ी पीछे, और यहाँ पे देख सकते हो, और चलना पास से पीछे से दिखा देते हैं, बम दिखता है। तो जैसे कि देख सकते हो हमारे पीछे में रावण दादा खड़े हुए हैं, हमारे दादा जी छपा जाता था गलत जगह, देखो बच्चा गन लेके खड़ा हुआ। कभी तब पास से तुम रावण को देखो। अब हम पिछवाड़ा देखते हैं, अरे बाप रे पिछवाड़ा पूरा पैक कर दिया गया इसका, देख रहे हो पूरा पैक कर दिया, और वही तो है पूरा वायरिंग वगैरह ऐसे होता है, कहाँ चक्का। तो देख सकते हो ये हमारे मेघनाथ है, नहीं ये कुंभकर्ण है, लंबा है, पर कुंभकर्ण को ज़्यादा लंबा रखना चाहिए ना। तो ये देखो यहाँ पे लड़ी आधा लड़ी का है, वो क्या आधा तो गिर गया, चलो हम लोग फोड़ेंगे घर में। देखो भाई लड़ी बीन रहा हूँ मैं, हाँ ये देखो पूरा लड़ी गिर गया आधा, तो ये देख उसमें देख मस्त लड़ी, तो आधा तो लड़ी गिरा हुआ, उसको हार पहना दिया गया, खाल से नहीं इसको जलाएंगे, देख हो सकता है, अबे बांधे हैं तार को बांधे हैं हवा से गिरे ना करके। चलो चलो आगे की तरफ चलते हैं। हाँ तो गाइस ये है इतना बड़ा लड़ी, इसमें देख रहे हो इतना खतरनाक लड़ी लगा हुआ है, तो देख रहे हो ये है खतरनाक, इसमें फड़ाफड़ पड़ेगा बेचारे, उसका लड़ी ख़त्म हो गया, बट रावण में बेदम है और अंदर में भी पूरा रहता है, इसका पिछवाड़ा तीनों का पिछवाड़ा अच्छे से पैक कर दिए, देख रहे हो पेरा में आग लगेगा ऐसे करके भाप फटेगा। तो ये देख सकते हो रावण यहाँ पे
पड़ा हुआ है, पूरा भूसा भरा हुआ है। दबा के देखते हैं, ये देखो पूरा भूसा भरा है। दिल धड़ा करा, अबे दिल वहाँ और लेफ्ट होता है दिल। पूरा रियल कपड़ा लगाया गाइस, मेरे को लगता है कि पेपर लगाया, बट सेक्टर 7 में ना पेपर का यूज़ किया जाता है। ये कपड़ा का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे पेपर का यूज़ किया जाता है, गिफ्ट पेपर का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फटाका रखो, यहाँ यही तो मेन है पगलू, यही तो मेन है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे पूरा फटाका वगैरह रखा हुआ है, देखो प्यारो। ये देखो 240 क्या चीज़, हाँ लास्ट में फोड़ने के लिए इतना सारा फटाका। देखो इतना फटाका तो मैं पूरा साल भर दिवाली मना लू इतने में। तो ये देख सकते हो, ये था पूरा रावण का। सो देख सकते हो ये है रावण का। तो अभी फिलहाल चलते हैं, ये फायर वायर देख लो। तो लेट्स गो, अभी फिलहाल निकलते हैं यहीं तक था और अपने ब्लॉग को घर जाके एंड करेंगे। बाकी ये रावण की, रावण के साथ एंड कर दूँ ब्लॉग को। और बाकी देख सकते हो पूरा माहौल। तो गाइस अपने ब्लॉग को यहीं रावण के साथ खत्म कर देते हैं, अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। गाय कैसे कर रहा है देखो। बाकी भाई लोग छुड़वाने, अरे मत छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो, वो पीछे से मारने जा रहे थे। ग्रुप फाइट। तो गाइस अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। सो दिस इज द प्रोडक्शन, नुकसान ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन तब तक बाय बाय। मोह तेरा रात नाम मेरी, ना मेरा सवेरा।